हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरु जी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड तारा सुतारिया स्टारर एक मूवी हीरोपंथी 2 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। हीरोपंथी 2 को 29 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था और इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 6.0 out of 10। इस फिल्म का टोटल बजट था 70 करोड़ का और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला सर ने, साथ ही इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अहमद खान सर ने। थैंक्स टू नाडियाडवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट, मैं इस हीरोपंथी 2 के बिहाइंड द सीन्स वीडियो को आपके साथ में हिंदी में शेयर कर पा रहा हूँ। इस फिल्म की शूटिंग 4 मेजर लोकेशंस पर हुई है, रसिया, अफ्रीका, चाइना एंड इजिप्ट। और इसके साथ ही हीरोपंथी 2 की काफी सारी शूटिंग इंग्लैंड एंड अबू धाबी में भी की गई है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने बबलू का किरदार किया है और ये सीन उसी समय का है जब बबलू की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, तब एक व्यक्ति उनको मारने के लिए आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्म में मेज पर होने वाला जो फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है उसे असल में किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर जितना भी स्टंट टाइगर श्रॉफ मेज पर करते हैं वो सारा ही रियल है। इसी वजह से इन स्टंट्स को करते समय टाइगर श्रॉफ को थोड़ी सी चोटें भी आ गई थी। और इस एक्शन सीक्वेंस को फिल्म में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। इस फिल्म में तारा सुतारिया ने इनाया का किरदार किया है और जब इनाया बबलू से एक बार में मिलती है तब वहीं पर एक सॉन्ग होता है मिस हैरान के नाम से, और इस सॉन्ग को टाइगर श्रॉफ ने खुद ही गाया है। साथ ही ये पहला सॉन्ग है जिसे टाइगर श्रॉफ ने गाया है। इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं महबूब ने और इस वीडियो सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है राहुल सिट्टी एंड खुद इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान सर ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरियोग्राफर राहुल सिट्टी जी बता रहे हैं टाइगर श्रॉफ को किस तरह से डांस स्टेप्स करने हैं। यह वीडियो सीन उस समय का है जब टाइगर श्रॉफ को एक छत पर से नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाया गया है। इस सीन को लंदन के लेटन बाजार नामक टाउन में शूट किया गया है। और यहाँ पर जो लग्जरी व्हीकल्स आप देख रहे हैं इन्हें रंजीत जी ने प्रोवाइड किया था। एक्चुअली रंजीत जी एक NRI हैं और UK एंड यूरोप में ये लग्जरी व्हीकल्स प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रंजीत सिंह जी इस समय तारा सुतारिया जी को इसी लंबोर्गिनी का डेमो दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर उसी सीन की शूटिंग की तैयारियां की जा रही हैं जब बबलू को एक बुलेट लगती है तब इनाया उसे अपनी लंबोर्गिनी में बिठा करके फिंस तोड़ते हुए बहुत ही तेजी से निकल जाती है। और यहाँ पर जो फिंस लगाए गए हैं वे ये सारे के सारे थर्माकोल के बनाए गए हैं जिससे कि कार को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। यह वीडियो सीन उसी एक्शन सीक्वेंस का है जब बबलू और इनाया भागते हुए एक अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी कई लंबोर्गिनी और काफी सारी गाड़ियां आकर के इनको घेर लेती हैं। तो वहाँ पर लंबोर्गिनी के आने वाले जो सीन है उन्हें कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद में बबलू और इनाया को एक हॉस्पिटल जाते हुए दिखाया जाता है क्योंकि बबलू के बम्प में बुलेट लगी हुई होती है। तो जो हॉस्पिटल वाला सीन है यह उसी का शूटिंग स्पॉट है और यहीं पर वो सीन रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद एक और सॉन्ग होता है दफा कर के नाम से और यह इसी दफा कर वीडियो सॉन्ग का BTS वीडियो है। और इस दफा कर वीडियो सॉन्ग की शूटिंग इंग्लैंड के ब्लेनहम पैलेस के सामने की गई है और डायरेक्टर अहमद खान सर ने पहली बार किसी वीडियो सॉन्ग के लिए जॉम्बी लुक एंड कॉस्ट्यूम्स का यूज किया है। साथ ही इस वीडियो सॉन्ग को प्रिंस गुप्ता एंड अहमद सर ने ही कोरियोग्राफ किया है। इस गाने के लिरिक्स भी महबूब जी ने ही लिखे हैं लेकिन इसको गाया है AR रहमान एंड हिरल विरादिया जी ने। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं स्फूर्ति ऐप के बारे में। यह इंडिया का पहला शॉर्ट फिल्म बेस्ड OTT प्लेटफॉर्म है जहां पर काफी सारी अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स अवेलेबल हैं, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेज एंड मल्टीपल जेनर्स में। सबसे बड़ी बात यह कि ये बिल्कुल ही फ्री है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सो अगर आप भी शॉर्ट फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल टॉप में। जब इनाया और बबलू एक ट्रेन में जाते हैं तब वहां पर एक कार आकर के सीधा ट्रेन में घुस जाती है। इस सीन को एक स्टूडियो के अंदर शूट किया गया है ग्रीन स्क्रीन लगा करके, बाद में ग्रीन स्क्रीन को VFX से रिप्लेस कर दिया गया है। ट्रेन से निकलते ही इन दोनों को एक फाटक पर घेर लिया जाता है, तो यह उसी का शूटिंग सीन है। और इस सीन के बाद में रेलवे स्टेशन पर होने वाली फाइट को दिखाया गया है जिसमें बबलू दौड़ते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। तो इस सीन की शूटिंग से पहले तगड़ी वाली प्रैक्टिस की गई थी जिससे शूटिंग करते समय टाइगर श्रॉफ को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, और यहाँ पर उसी सीन के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। मूवी में टाइगर को चलती हुई ट्रेन के ऊपर खड़े हुए दिखाया गया है तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। और इस सीन के बाद में बबलू ट्रेन से नीचे आकर के वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके साथ में फाइट करता है, तो यह BTS सीन उसी एक्शन सीक्वेंस का है। इसके बाद एक तगड़ा वाला सीन इस फिल्म में दिखाया गया है जिसमें टाइगर श्रॉफ पत्थरों के बीच से निकलते हैं, और यह सीन उस समय का है जब लैला यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी आकर के ट्रेन ट्रैक पर एक बड़ा सा विस्फोट करते हैं जिससे कि बबलू उन छोटे छोटे पत्थरों के नीचे दब जाता है। और यह BTS सीन उसी समय का है जब बबलू को उन छोटे छोटे पत्थरों को हटा कर निकल कर आते हुए दिखाया गया है फिल्म में। मूवी में जो विस्फोट ट्रेन ट्रैक पर दिखाया गया है उसे रियल में किया गया था,
विद द फुल कंट्रोल्ड सिस्टम, और यहाँ पर इसी विस्फोट को ऑपरेट किया जा रहा है। फिल्म में ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस सीन की शूटिंग के बारे में टाइगर श्रॉफ बताते हैं कि जब उनके ऊपर पत्थर डाले जा रहे थे तब उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई थी, और पत्थर डालते समय चेहरे को भी पूरी तरह से ढक दिया गया था जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। हालांकि इस सीन की शूटिंग करते समय टाइगर श्रॉफ को थोड़ी परेशानी तो हुई थी, बट इस सीन को परफेक्टली रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद मूवी में एक और सॉन्ग दिखाया गया है जलवा नुमा के नाम से। इस वीडियो सॉन्ग की शूटिंग के लिए एक अलग से सेट तैयार किया गया था जहां पर काफी सारी चीजें प्लेस की गई थीं, और यह इसी जलवा नुमा सॉन्ग का BTS वीडियो है। इस सॉन्ग के लिरिक्स भी महबूब कोटवाल जी ने ही लिखे, लेकिन इसको गाया है पूजा तिवारी एंड जावेद अली जी ने। इस वीडियो सॉन्ग को प्रिंस आर गुप्ता एंड डायरेक्टर अहमद खान सर ने ही कोरियोग्राफ किया है। साथ ही इस गाने में एक साथ 100 से भी ज्यादा आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है। यह BTS सीन उस समय का है जब बबलू के पास केवल 100 घंटे होते हैं, और 100 घंटों में 4 लोगों को अलग अलग जगहों पर मारना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले वो दुबई जाता है। दुबई वाले सीक्वेंस को असल में अबू धाबी में शूट किया गया है, और यह उस समय का सीक्वेंस है जब बबलू अपने दुश्मन को एक हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ फेंक देता है, और इसके बाद में बबलू वांग को मारने के लिए चीन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर के जैकेट में पहले से ही छेद करके रखे गए थे, उन्हीं में ये भाले डाले जा रहे हैं, और ये जो छेद हैं जब आप फिल्म देख रहे होंगे तब भी ऐसा लगता है कि जैसे जैकेट में पहले से ही छेद करके रखे गए हैं, जो कि इसका एक ड्रॉबैक पॉइंट है। और यह इसी सीक्वेंस का BTS वीडियो है। फिल्म में ये सीन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस एक्शन सीक्वेंस की प्रैक्टिस पहले से ही की गई थी, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पर ये भाले कमर में फंसते हुए दिखाए गए हैं, बट रियल शूटिंग के टाइम पर इनको कमर से हटा करके जैकेट में फंसाया गया था। इस एक्शन सीक्वेंस के साथ ही जो फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है उसकी भी प्रैक्टिस पहले से ही की गई थी, साथ ही फोन से रिकॉर्डिंग भी की गई थी जिससे रियल शूटिंग के टाइम पर जितने भी लूप्स हों उनको सुधारा जा सके। भाले वाले सीक्वेंस के बाद में बबलू वहां पर सभी को मारता है, और इस सीक्वेंस से पहले ही टाइगर श्रॉफ से एक्सरसाइज करवाई गई थी जिससे कि जो बॉडी हो वो खुल के सामने आ सके। और यह उसी भाले वाले सीक्वेंस के बाद का जो फाइट सीक्वेंस है उसी का BTS वीडियो है। वैसे ये सीन वास्तव में काफी बढ़िया लगता है फिल्म में भी। और इसके बाद में बबलू जब लैला को मारने के लिए जाता है तो लैला ने 3 स्टेप्स बनाए होते हैं जिनमें से पहला होता है एक टनल, और इस टनल में एक विजुअलाइज्ड गेम होता है जिससे ऐसा लगता है कि वो लोग रियल में मारने के लिए आ रहे होते हैं। इस सीक्वेंस को वास्तव में तो कुछ इस तरह से शूट किया गया था, लेकिन फिल्म में ऐसा लगेगा जैसे कि ये गेम हो, और मूवी में ये सीन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसके बाद में सेकंड स्टेप में कुछ स्टैचूज टाइगर को घेरते हुए दिखाए गए हैं। हालांकि जब टाइगर इन स्टैचू से फाइट कर रहे थे तब उनको थोड़ा चोट भी लग गई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैचू अपने आप आगे नहीं जा रहे हैं बल्कि एक क्रू मेंबर उनको खिसकाते हुए आगे ले जा रहा है, बट फिल्म में ऐसा लगेगा जैसे ये स्टैचूज अपने आप आगे आ रहे हैं। और लैला को मारने वाले तीसरे स्टेप में काफ़ी सारे पर्दे दिखाए गए हैं जिनके बीच से लैला यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जादू करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग बबलू को मारने की कोशिश करते हैं। इस एक्शन सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, और इसी सीक्वेंस के बाद में बबलू लैला को मार देता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को भी शॉर्ट फिल्म्स देखना पसंद है तो स्फूर्ति ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही हीरो बंदी 2 का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।